कृष्ण की 16,188 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है। कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, नरक जाएंगे ऐसों को बैठा लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि मथुरा के बरसाना से है, जहां थोड़ी देर में महापंचायत शुरू होगी। बिल्कुल 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब महापंचायत की शुरुआत होगी। सभी साधु संत यहां पर, कई साधु संत मौजूद रहेंगे और बात होगी प्रदीप मिश्रा को लेकर। उन्होंने राधा रानी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और इस पर अब बातचीत होनी है। महापंचायत होगी और बातचीत होगी कि क्या उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर मिलनी चाहिए तो क्या सजा मिलनी चाहिए। बरसाना में आज महापंचायत होनी है। राधा रानी पर टिप्पणी के मामले में ब्रज में उबाल देखने को मिल रहा है। उन पर FIR दर्ज हुई थी, ब्रज के लोगों में नाराजगी है। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें कि मथुरा की बरसाना में थोड़ी ही देर में महापंचायत की शुरुआत होनी है और इस महापंचायत का मकसद है प्रदीप मिश्रा को सजा देने का। इस पर फैसला करना कि किस तरीके से क्या फैसला सजा को लेकर होना है, लेकिन पूरा मामला क्या है, कहां से विवाद की शुरुआत होती है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भगवान कृष्ण की 16,188 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। कथावाचक प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज, वो संत जिनकी वाणी देश के लाखों भक्त सुनते हैं, धर्म वाणी सुनकर अध्यात्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं, लेकिन पिछले करीब 1 महीने से एक दूसरे पर तमतमाए हुए हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की राधा रानी पर की गई टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर प्रदीप मिश्रा पर प्रेमानंद का गुस्सा तो दिखाई दे रहा है, साधु संतों का भी आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदीप मिश्रा पर FIR भी हुई है, माफी मांगने के लिए वक्त भी दिया गया है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है और शायद इसलिए मथुरा के बरसाना में महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत में ब्रज मंडल के साधु संत, धर्माचार्य, भगवताचार्य, तीर्थ स्थलों के प्रमुख आचार्य और ब्रजवासी समाज के लोग शामिल होंगे। इस दौरान प्रदीप मिश्रा को दंड देने को लेकर फैसला किया जाएगा। प्रदीप मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है, ये अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका है, तो हम ऐसे व्यक्ति को अपने वृंदावन की सीमा में घुसने नहीं देंगे। ब्रज रज की कितनी पवित्र पावन महिमा है, ये सबसे बड़ा अपराध है, ये जघन्य अपराध है। प्रदीप मिश्रा जी की अयोग्यता का प्रतीक है, उन्होंने जिस प्रकार हमारी आराध्या श्री राधा रानी के प्रति अपशब्द बोले हैं, हमारे सनातन को कलंकित करने के लिए इन पर ईस्टिंडा कानून लगा करके इन्हें सलाखों के भीतर भेजा जाए। आक्रोश की वजह कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो है, जिसके मुताबिक दावा किया गया कि राधा रानी के पति भगवान कृष्ण नहीं है और ना ही भगवान कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम है। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा के इस वायरल वीडियो में वो राधा रानी के जन्म स्थान को बरसाने की जगह रावल गांव बता रहे हैं। इसी के बाद से प्रेमानंद महाराज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने राधा रानी पर सवाल उठाने वालों को नर्क में जगह ना मिलने की बात कह डाली। भगवान कृष्ण की 16,188 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना, पक्के में? बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। अब हजारों लोग बैठ कर के सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरखा तर जाएंगे तो पुरखा नरक जाएंगे ऐसों को बैठा लोगे। जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो, तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं। प्रेमानंद महाराज और साधु संतों के गुस्से का जवाब प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो काट छाट कर दिखाया और वायरल किया जा रहा है।
राधा रानी पर की गई टिप्पणी से प्रेमानंद महाराज तो नाराज हैं ही, मथुरा के साधु संतों में भी आक्रोश है और इसलिए प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और आज होने वाली महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को दंड देने की बात हो रही है। माँ राधा रानी जी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रज भूमि के लोगों का कहना है कि उनके बारे में प्रदीप मिश्रा ने जैसी बयानबाजी की है वो माफी लायक भी नहीं है। हालांकि सनातन का हर सेवक यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये विवाद खत्म हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।